हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फाई प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज हैशटैग डू मोर विद डीफाई। आज के क्रिप्टो न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंजन कॉइन के बारे में। ये जो है इंजन कंपनी का ERC-20 टोकन है, और इंजन कंपनी जो है वो डिफरेंट ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बीच का जो एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। और आप लोग जो है इसका नेटवर्क का यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट्स बना सकते हैं, चैट कर सकते हैं, इसके अलावा डिजिटल एसेट स्टोर को भी होस्ट कर सकते हैं। इंजन कॉइन को जो है जून 2018 के अंदर जो है इथेरियम के मेननेट के ऊपर लॉन्च किया गया था। और इंजन कॉइन का जो है यूज़ डिफरेंट ब्लॉकचेन एसेट्स जो होते हैं जैसे कि NFTs, उनकी वैल्यू को बैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इंजन कंपनी के जो है दो फाउंडर्स हैं, सबसे पहले हैं वीटेक रेडम्सकी जो कि अब इसके CTO हैं, इसके अलावा दूसरे फाउंडर हैं मैक्सम ब्लैकअप जो कि अब इस कंपनी के CEO हैं। और अगर हम लोग इंजन कॉइन के प्राइस की बात करें तो वो अभी अबाउट $2.86 के आसपास चल रहा है, और इसने मार्च 15, 2021 को जो है अपना एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड जो है बनाया था ऑफ अबाउट $3.05। और इसका जो आज तक का ऑल टाइम लो है वो इसने November 2, 2017 को अचीव किया था ऑफ अबाउट $0.015। और इसकी जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है मार्केट के अंदर वो अबाउट 834 मिलियन टोकन तक पहुंच चुकी है, और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो अबाउट 1 बिलियन टोकन की है, और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट $2.8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, और इसके जो पिछले 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अबाउट $1.8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और ये जो नेटवर्क है वो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिथम का यूज करता है अपनी ट्रांजैक्शन को सिक्योर एंड एफिशिएंट बनाने के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं इंजन कॉइन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज के बारे में। अभी जो कॉइनबेस एक्सचेंज है जो कि लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक है, उन्होंने April 7 को अनाउंस किया कि अभी उनके यूजर जो हैं वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजन कॉइन के जो है इनबाउंड ट्रांसफर जो है वो कर पाएंगे। यानी अब यूजर जो है कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर जो वॉलेट है उसके अंदर इंजन कॉइन्स को डिपॉजिट जो है वो कर पाएंगे। और इसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो 9 अप्रैल के बाद, जो 9 PM UTC के बाद जो है स्टार्ट करी जाएगी, जब सफिशियंट लिक्विडिटी जो है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजन कॉइन की कलेक्ट हो जाएगी। तो ये जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंजन कॉइन के लिए। अगर हम देखें कि जैसे कि कॉइन बेस इफेक्ट है, यानी कि जब भी कोई कॉइन जो है कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है तो उसके बाद उस कॉइन की जो वैल्यू है वो थोड़ी जो है रैली कर जाती है। और अगर हम इंजन कॉइन की वैल्यू देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो पिछले 24 घंटों के अंदर अबाउट 32% इंक्रीज हुई है, और अभी अबाउट $2.86 के आसपास चल रही है। इसके अलावा एक और लेटेस्ट न्यूज़ आई है इंजन से रिलेटेड, जैसे कि अभी इंजन कॉइन है वो अभी अपना एक NFT ब्लॉकचेन Polkadot के ऊपर लॉन्च करने के लिए फंड रेज कर रही है, और उन्होंने अभी अबाउट $18.9 मिलियन का फंड जो है वो रेज कर लिया है। इस लॉन्च के बाद जो कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी चेन से, फॉर एग्जांपल इथेरियम से जो है NFT जो है वो डायरेक्टली जो है इफिनिटी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ट्रांसफर कर पाएगा। और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन फी है वो डिपेंड करेगी कि आप लोग जो है किस टाइप की ट्रांजैक्शन जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंजन यूजर्स के लिए। अगर आप लोगों को इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म HODLinfo.com पर, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finstreet.in पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट एंड क्रिप्टो नाइट को, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिनस्ट्रीट। थैंक यू।